Hello friends, myself Dr. Sushila Seni, gynecologist and obstetrician director Jaipur Durbin Hospital, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और आप एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं, तो कई बार हमारे दिमाग में ऐसी चिंताएं आने लगती हैं कि कहीं मेरा बच्चा ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं मेरे बच्चे के हाथ की उंगलियां तो नहीं बनी, कहीं मेरे दिमाग में ये सिर की हड्डी तो नहीं बनी, तो कहीं इस प्रकार के एबनॉर्मलिटीज बच्चों में हो जाती है। और कई बार हमें इन बातों को सोच के बहुत ज्यादा डर लग जाता है कि कहीं मेरा बच्चा तो कहीं ऐसा पैदा नहीं हो जाएगा, मैं इसका पता कैसे लगा सकती हूँ, मैं कैसे इसे प्रिवेंट कर सकती हूँ, कैसे रोक सकती हूँ कि मेरा बच्चा ऐसा ना हो। वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे बच्चे में अगर कोई जन्मजात खराबी होने की कोई पॉसिबिलिटी है तो कितनी है, हम उसे कैसे रोक सकते हैं, अगर है तो उसका पता कैसे लगाया जा सकता है, और क्या उसका कोई ट्रीटमेंट है या हमें कुछ और डिसीजन लेना पड़ेगा। यही सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप और अपने चाहने वालों की आप बहुत सेफ प्रेगनेंसी को डिलीवरी दे सके। जैसे ही आपकी पहली सोनोग्राफी होती है तो आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा एकदम स्वस्थ है, बच्चे की धड़कन आ चुकी है। और हमारे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पहली सोनोग्राफी 6 हफ्ते पर की जाती है, 6 हफ्ते की सोनोग्राफी कभी मिस नहीं करनी होती है, जरूर से करवानी होती है ताकि बच्चे की लोकेशन के बारे में, बच्चे की धड़कन के बारे में और बच्चे के नंबर्स कितने हैं ये हमें पता चल सके। 6 हफ्ते की सोनोग्राफी के बाद जब दूसरी सोनोग्राफी का टाइम आता है वो है 11 से 13 हफ्ते के आसपास भी करवाया जा सकता है, यानी कि अराउंड 11-12 हफ्ते के आसपास जरूर करवा लीजिए। ये सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इस सोनोग्राफी में बच्चे के नाक की हड्डी बनी है या नहीं बनी है इसका पता लगाया जाता है, दूसरा बच्चे की सिर की हड्डी के बारे में पता लगाया जाता है, तीसरा बच्चे की हाथ से गर्दन की स्किन की थिकनेस कितनी है ये देखा जाता है। इनको हम लोग बोलते हैं नेजल बोन, न्यूकल फोल्ड थिकनेस एंड क्रेनियल बोन अपीयरेंस कैसा है। ये तीनों चीजें इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, अगर इनमें से कुछ एक भी लक्षण पॉजिटिव पाया जाता है, यानी कि जैसे नाक की हड्डी नहीं बनी है, पीछे की थिकनेस ज्यादा आ रही है या ऊपर की हड्डी नहीं बनी है, तो ये सब चीजें बच्चे में जन्मजात खराबी होने को इंडिकेट करती है, हमें सूचना देती है कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके साथ ही फिर ब्लड टेस्ट करवाना होता है जिसे डबल मार्कर के नाम से जानते हैं। डबल मार्कर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हमें बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना कितनी है उसके बारे में बताता है। डबल मार्कर टेस्ट एक तरीके का ब्लड टेस्ट है जो हाथ में से खून का सैंपल लिया जाता है और लैब में भेजा जाता है, 1 से 2 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाती है और इस रिपोर्ट में इस तरीके से दर्शाया जाता है कि ट्राइसोमी 21, 18 और 13 की कितनी संभावना है। मोस्ट कॉमन जो एनोमली यानी जो खराबी पाई जाती है वो ट्राइसोमी 21 होती है, 21 होती है, इसका नाम डाउन सिंड्रोम होता है जिसमें बच्चा इस तरीके का छोटा थोड़ा सा हेड मोटा होता है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, बच्चा अपने डिसीजंस नहीं ले पाता है। तो इस तरीके के बच्चे को जन्म देने से आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है, लेकिन अगर आप इसी शुरुआती अवस्था में आपको पता चल जाता है कि बच्चे में अगर इस तरीके की काफी सारी संभावना है तो कुछ और टेस्ट करवा के आप ये कंफर्म कर सकती हैं कि बच्चे में कहीं इस तरीके की कोई खराबी तो नहीं है जिससे कि मेरी जिंदगी में आगे किसी प्रकार की परेशानी आ जाए। 11 से 13 हफ्ते की ये सोनोग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे हम कुछ डिफॉर्मिटीज का आइडिया लगा सकते हैं, बट अभी इस स्थिति में हम कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते कि ये बच्चा पूर्णतः खराब है या इसी का अभी अबॉर्शन करवा देना चाहिए, नहीं, इसके लिए हम थोड़ा और वेट कर सकते हैं। 15 से 18 हफ्ते के बीच में क्वाड्रपल मार्कर नाम का ये टेस्ट और होता है, वो भी एक तरीके का ब्लड टेस्ट है जो हाथ में से ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उसे ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, उसमें भी हमें काफी ज्यादा आइडिया लग जाता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम की संभावना कितनी है या और किसी तरीके की ट्राइसोमी होने की संभावना है क्या। अगर डबल मार्कर और क्वाड्रपल मार्कर दोनों हमें बताते हैं कि संभावना बहुत ज्यादा है तो फिर बच्चे का 3D स्कैन किया जाता है, 3D सोनोग्राफी की जाती है जिसमें पूरे बच्चे की जितनी हड्डियां हैं उनका मेजरमेंट किया जाता है, बोन्स का, सारी लॉन्ग बोन्स जितनी भी, यानी कि ये वाली हड्डी, पैर की हड्डियां, इन सबका मेजरमेंट किया जाता है, सिर का सर्कमफेरेंस, पेरिफेरी नापी जाती है, इस तरह कई सारे मार्कर्स 3D सोनोग्राफी में देखे जाते हैं और फिर उसे कंफर्म किया जाता है कि बच्चे में क्या क्या खराबी है। और अगर बच्चे में किसी तरीके की बहुत ज्यादा खराबी है तो उस बच्चे का डिसीजन आप लोगों को लेना होगा कि इस बच्चे को आप जन्म देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। अगर जन्मजात खराबी वाला कोई बच्चा है तो सजेशन यही रहता है कि बच्चे का आप कैरी ऑन ना करें प्रेगनेंसी को और अपने डॉक्टर से सलाह लें। बच्चे में अगर संभावनाएं ज्यादा लगती है तो
बच्चे के सोनोग्राफी के द्वारा पेट से पानी भी निकाला जा सकता है, जो बच्चे के चारों तरफ अवल नाल का पानी होता है या अवल नाल की कोशिकाएं होती है वो भी सैंपल लिया जा सकता है, जिसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। और एमनियोसेंटेसिस का जो फ्लूड हमने लिया है वो हम टेस्ट के लिए भिजवा देते हैं, और उस टेस्ट से पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि हाँ बच्चे में प्रॉब्लम है और हमें अब इसका डिसीजन लेना है। एक बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे भारत देश में बच्चे का अबॉर्शन करवाने का लीगल टाइम लिमिट 20 हफ्ते है। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो 20 हफ्ते से पहले पहले ले सकते हैं, क्योंकि 20 हफ्ते क्रॉस होने के बाद में ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अबॉर्शन लीगल वे में हो सकता है या नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए जन्मजात सोनोग्राफी खराबी देखने के लिए जो सोनोग्राफी की जाती है वो 18 से 20 हफ्ते के बीच में ही की जाती है, और कोई भी डिसीजन होता है वो 20 हफ्ते से पहले पहले ले लिया जाए ताकि काम सही तरीके से लीगल वे में किया जा सके। मैं समझती हूँ कि आपको ये वीडियो जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी और ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को अपने जानकारों में, अपने साथ वालों में जरूर शेयर कीजिए, और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, और जयपुर दूरबीन के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।